एनपीए के भारी भरकम आंकड़ों और बैंकों से लिए गए अरबों खरबों के कर्ज ना लौटाने के बढ़ते चलन के मद्देनजर आज मुंबई के ट्राइडेंट होटल में एक कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई, देश के सभी बड़े बैंक और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में आर्थिक अपराधों से निपटने और सरकारी धन से जुड़े घोटाले के बारे में चिंतन मंथन किया जा रहा है, साथ ही इससे निपटने के बारे में भी एक रणनीति तैयार की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और सीबीआई निदेशक ने कहा कि देश में बैंकों का एनपीए 2009 में जहां 44 करोड़ था, वहीं 2015 में बढ़कर 3 लाख करोड़ हो गया है। दरअसल गलती बैंकों की है जो पूरी जांच पड़ताल के बिना और अधूरे दस्तावेज के आधार पर कर्ज बांट देते हैं। लोन लेने वाली कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने का काम भी बैंकों का है, लेकिन वो कर्ज बांट देते हैं और कर्ज लौटाने की अवधि बीत जाने के बाद जागते हैं।